तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। और ये पहला न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन भी मिलेगा साथ में, हम समझा देते हैं पहले। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। बहुत इजी है ये, दो स्फीयर्स हैं ए और बी, और इनका जो सेंटर सेपरेट किया गया है बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के बीच में गैप है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is, कोई साइन नहीं तो प्लस ही है, इस पर चार्ज कितना है, प्लस 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम्ब, सेम चार्ज। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसकी जो रेडियस है इस स्फीयर की, कूलम्ब्स लॉ में हम जानते भी हैं कि ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बोल दिया उसने। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। साथ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था पिछले साल 11वीं क्लास में, उसकी भी वैल्यू बोली है, जबकि इसका मास गिवन है कितना हमारा, 0.5 kg। ये एक पार्ट है, बहुत ही सरल है, कर भी लेंगे हम लोग, दूसरा भी समझ लेते हैं, दोनों ही निपट लेंगे फिर। वॉट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, पूछा है वॉट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ वन ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट, यानी इस चार्ज की जगह डबल कर दें अमाउंट, हम सेकेंड पार्ट में दुगना चार्ज कर दें, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम इज हाफ, और डिस्टेंस को कम कर दें आधा, फिर कितना होगा वो भी देख लेंगे। साथ में कहा था टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, अगर इसको पानी में डाल दें जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 है तो फोर्स क्या होगा, हम जानते हैं पानी में डालेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं, ये बहुत ही इसमें सिंपल कूलम्ब्स फॉर्मूला लग जाना है। तो ये देखिए इसके सोल्यूशन आपके सामने ही है, समय ज़ाया नहीं करेंगे हम लोग। ये देखिए इसमें कूलम्ब्स फॉर्मूला एफ एयर के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू रख दी, ये इसकी के की वैल्यू थी 9 × 10⁻¹, और क्यू एन क्यू टू कितना, क्यू एन था 6.5 × 10⁻¹⁷, सेम चार्जेस मल्टीप्लाई किया, बीच में आर डिस्टेंस था तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, फिर स्क्वायर कर दिया। इसको कंप्यूट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 1.5 × 10⁻²⁺ न्यूटन आ गया। जहाँ कहीं भी आपको कॉपी करना हो खटाक से कॉपी कर लीजिएगा, पूरी चीज़ कॉपी करने की कोई मुद्दा नहीं है, मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई पहले वाले की, कि कितना फोर्स लगेगा जो चर्चा थी। दूसरा पूछा है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा, तो ये जो ग्रेविटेशन वाला फोर्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना, वो होता है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एम वन हो गया जो वैल्यू दे रखी थी, एम की कितनी 0.5 kg, तो एम वन एम टू और जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁰, और आर ले लिया इसके बीच का डिस्टेंस, वो आर 0.5 कैलकुलेट कर लिया, और ये वैल्यू लिख लाई 6.67 × 10⁻¹⁰। और आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ एयर, ये बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये देखिए 10⁻², 10⁻¹⁰ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफ़ी कम होती है। तो ये न्यूमेरिकल सिंपल था जो इस तरीके से आ गया, आप कुछ नोट करना चाहें तो कर लीजिए, और ना आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगली बात देखते हैं हम लोग, अब दूसरे में बोला था कि व्हेन चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड, बड़ा था ना उसमें सेगमेंट में, चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो चार्ज को कर दीजिए डबल, 2q1 2q2, और डिस्टेंस को कर दिया r/2। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बच्चे जैसे रहते हैं एकदम, समझ पा रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई कर डालिए वैल्यू, खटाक से आंसर आ गया, क्या बताना है इसमें, है क्लियर। अब बोल रहा था कि इसको पानी में डाल दें, या अरे जामन चाय वहाँ डालिए, आप कौन रुकता है, तो इसकी जगह क्या हो गया, अब यहाँ पर k की वैल्यू दे रखी थी 80। हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ी थी ना वैल्यू, तो एक क्या क्या वैल्यू पढ़ी थी बेटा, एप्साइलन रिलेटिव कांस्टेंट कह लीजिएगा इज इक्वल टू मीडियम की अपॉन इसे ER कह दो, इसी को 80 बोला है इन्होंने, है ना, ये 80 है। अब यहां पर ये अपोजिट चलता है तो ये किसके रेशियो में आता था,
एफ नॉट अपॉन, एफ नॉट का मतलब एयर कह लीजिए, एफ मीडियम, उल्टा चलता है ना। इसे क्या समझ पा रहे मेरी बात? तो यहां पर जो एफ आएगा वाटर के लिए वो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू करोगे तो एफ एयर अपॉन एफ वाटर, ये नॉट का मतलब एयर, ये 80 है। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ये एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ये तो वैल्यू क्या होगी यहां पर एफ मीडियम की, एफ वाटर की, एफ एयर अपॉन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, 80 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके हाथ आ गया, खत्म हो गया। ऐसे एग्जामिनेशन में सवाल आ जाते हैं सब, समझ पाए क्या? जो भी नोट करना चाहिए जल्दी से नोट कीजिए, अगले न्यूमेरिकल पे चलेंगे। जो भी हिंट के तौर पे, पूरा ना छापिए, हिंट के तौर पे लिख लीजिए कि आप समझ पाओ बात। जैसे ये चीज इंपॉर्टेंट ये आती है तो ये आपको अंदाजा रहना चाहिए, ये जो बात लिखी है क्या ये समझ पाए पूरी तरीके से ना। ठीक, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। ये रेड रेड कर दिया जिससे आप अलग से समझ सकें कि क्वेश्चन है। तो लिखा सपोज दी स्फीयर्स ए एंड बी, पिछले क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें दो स्फीयर थे, उसी में लिखा हुआ है सपोज दी स्फीयर्स ए एंड बी इन लास्ट क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइजेस। दोनों के साइजेस कैसे थे? आइडेंटिकल, बहुत अच्छी बात। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, उसी साइज का एक तीसरा स्फीयर लेकिन अनचार्ज्ड, बट अनचार्ज्ड, दिख रहा है ना बेटा, वो चार्ज नहीं है तीसरा वाला। अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट वन, पहले से कॉन्टैक्ट किया। ये डायग्राम बनाया अभी आपको समझाएंगे, ये देखिए यही समझ लीजिए। चाहे ए था, एक सी था जिसपे चार्ज नहीं था, पहले ए से, पहले वाले से कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट किया। तो जब दोनों आइडेंटिकल होंगे, अभी एक बात और इंपॉर्टेंट बताएंगे, क्योंकि दोनों एकदम सेम है इसलिए चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आधे आधे चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? Then brought in contact with the second one. इसके contact में लाने के बाद अब C को B वाले, दो थे ना ये भी, B के contact में लाए। तो जब इसको C पे ले आए तो C पे अब चार्ज कितना हो चुका? Q by 2। अब हमने B से चिपका मारा इसको, तो अब टोटल चार्ज कितना था? Q plus Q by 2। इसका आधा आधा बढ़ जाएगा, तो Q Q plus Q by 2 का आधा आधा बटेगा, तो क्या वैल्यू हो गई? 3Q/4। तो 3Q/4 इस पे और 3Q/4 इस पे आ जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए पर चार्ज कितना था बेटा? ए पे था Q/2, और सी पर कितना आ चुका है अब? 3Q/4। अब कहला इसके बीच का रिपल्शन निकालिए। अब यहां पे तो खेल खत्म हो गया सवाल का, मेन कहानी थी ये समझना। यहां पे तो आप लगा ही देंगे कूलम्स लॉ फोर्स, समझ पाए हो? ठीक है, अब यहां जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आगे कंपटीशन के लिए भी अहमियत रखती है, यहां पर जब ए और सी को आप कांटेक्ट में लाते हैं बेटा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ज के फ्लो होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है। आप भूल रहे होंगे लेकिन मालूम है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज नहीं जाता एक जगह से दूसरी जगह, क्लास 9th 10th में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल की बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चार्ज जो यहां से जा रहा है और Q/2 कर दिया है, अगर ये दोनों सेम नेचर के नहीं होते, सेम साइज के, तो हमें यहां का पोटेंशियल जज करना पड़ता, और चार्ज तब तक जाते जब तक दोनों का पोटेंशियल एक जैसा ना हो जाता। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर चार्ज नहीं है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पोटेंशियल है। ये बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, क्या मेरी बात समझ पाए हैं? यहां पर क्योंकि दोनों एक जैसे थे बिल्कुल, इसलिए हम पोटेंशियल एक जैसे लेके चले। ठीक है, लेकिन जब चार्ज क्यों जाएंगे एक दूसरे में? इसीलिए जाते हैं क्योंकि दोनों में पोटेंशियल सेम बन जावे। फिर जब तक देखना पड़ता कि किसमें पोटेंशियल ज्यादा किसमें कम, जिसमें कम जिसमें ज्यादा, उस हिसाब से जाते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या आप, हम क्लैरिटी कर पाए हैं आपके साथ? ठीक है ना, अगर ये गोला स्फीयर
और दूसरा गोला फर्क होता तो दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं होते। क्या सेम होता? पोटेंशियल। इस केस में पोटेंशियल भी सेम और चार्जेस भी सेम टच कराने के बाद, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? बिल्कुल शुद्ध तरीके से, प्योरिटी के साथ। तो यहां पर ध्यान रखना होगा पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं, ना चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है मूव करने के लिए, पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इसमें थोड़ा टेढ़ा सवाल बना दें, इसका साइज डबल कर दें इसका सिंगल, तो ये लॉजिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लॉजिक लगाना होगा जी? क्लियर? बहुत अच्छी बात, नोट कर लेना इस पॉइंट को, गलती होगी इसमें। पोटेंशियल की चर्चा चैप्टर नंबर 2 में करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्वेश्चन के हिसाब से ये कहानी बन चुकी है, और आगे फिर कुछ दम नहीं है। आप लगा दीजिए फॉर्मूला, न्यू फोर्स क्वेश्चन जितना जितना था, कुछ भी दम नहीं है सर, ठीक है? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें कुछ नोट करना नोट कर लेना, क्योंकि कई न्यूमेरिकल सामने आएंगे तो दिमाग में अटकने चाहिए, ठीक? ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्यों लिखना रह गया, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा टू पॉइंट चार्जेस प्लस 4e इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन पॉजिटिव है, एंड प्लस ई आर फिक्स्ड ए डिस्टेंस ए अपार्ट, ठीक? प्लस 4e और ये प्लस कहाँ गया, ये प्लस ई, ये यहां पर एक चार्ज रखा है, ये दिख रहा होगा काला काला आपको, और दूसरा इधर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ए, ठीक है? और दोनों के दोनों फिक्स चार्जेस है। फिक्स चार्जेस का मतलब होता है कि ये दोनों अपनी जगह से खसक नहीं सकते। अभी अगला सवाल है जिसमें फ्री का भी हमने डाल दिया, जिसे आप पकड़ पाए बाद, ये दोनों कील ठोक के ठोक दिया आपने, न जाएंगे इधर उधर, ठीक है? वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस पे प्लस क्यू चार्ज कहां रखें, दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड विच केस इट इज अनस्टेबल। तो पहले हमारी समझ में आना चाहिए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल होते कौन से हैं। आप जानते हैं क्या? क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप, नहीं जानते हैं, भूल गए। एनीवे, इस तरह का डायग्राम देख लीजिए आप, इसको इस तरीके से घुमा दो। अगर एक बॉल यहां रखते हैं हम लोग, एक बॉल यहां रखते हैं और एक बॉल यहां रखते हैं, अगर इस बॉल को अपनी जगह से हम डिस्प्लेस कर दें तो ये क्या करेगी? वापस अपनी पोजीशन में आना चाहेगी, ऐसे खींचोगे तो टुन नीचे आएगी, तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपनी जगह से हटाओ, वापस आना चाहे अपनी जगह, याली बॉल अभी रुकी है लेकिन जरा सा खसका देंगे तो क्या होगा, लुढ़क जाएगी, अपनी जगह नहीं आ पाएगी, इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हटाएंगे धड़ाम से गिरेगी, और तीसरा, या इसको आगे बढ़ा देंगे, जहां बढ़ा देंगे वहीं रुक जाएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां रुक जाएगी, उसमें क्या जा रहा है उसका, कैमरे में आ जाए इसलिए थोड़ा ऐसे बनाते हैं, यहां इसके बाद ये प्लेटो है, ये अगर इसको यहां पहुंचा देंगे आगे तो यहां भी रुक जाएगी, कहीं नहीं भागेगी, तो इसको बोलते नॉर्मल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस होती हैं। तो ये पूछ रहा है कहां ऐसी चीजें हैं कि कहां इक्विलिब्रियम मिलेगा, कहां स्टेबल और अनस्टेबल मिलेगा। तो पहली बात हमारी समझ में आना चाहिए कि कहां पर इक्विलिब्रियम बन सकता है और कहां नहीं बन सकता है। तो ये दोनों प्लस वाले हैं, अगर बीच में हम प्लस रखेंगे तो ये इधर धक्का मारेगा और ये उसके अपोजिट धक्का मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, समझिएगा मेरी बात। ये ज्यादा ताकतवर फोर्स है प्लस 4e, तो ये ज्यादा तेजी से धक्का मारेगा
और एक कम तेजी से मारेगा, धक्के एक दूसरे के विपरीत है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इक्विलिब्रियम बन जाए, एक ऐसा पोजीशन दोनों बराबर हो जाए, खेल खत्म, हो सकता है। अगर दोनों एक ही दिशा में होता होते तो हो सकता था, कहते ही नहीं, और दोनों ऐसे लग रहे हैं तो क्यों न्यूट्रल होंगे, खत्म होंगे, समझ में आ रही है बात। तो इसके बीच में पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी। अगर हम इसके बाहर चले आए, यहां आ जाओ, यहां पर प्लस क्यू रखा आपने, जो रखना है अंदर रखा तो बन सकता था, तो यहां पर ये किधर धक्का मारेगा, इधर, ये किधर धक्का मारेगा, इधर मारेगा, दोनों इधर मारेंगे धक्का। क्या यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अब तीसरे पोजीशन पे आ जाओ, इस तरफ, यहां पर प्लस क्यू रखा तो इसने धक्का मारा इधर, और इस वाले चार्ज ने किधर धक्का मारा, इधर, तो कभी न्यूट्रल आएगा या कभी नहीं आएगा, एक ही दिशा में, तो इसके बाहर तो कभी न्यूट्रल नहीं आने वाला, यानी बाहर इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, ये समझ लेना एकदम पक्की तौर पे बात, लॉजिक समझ में आ रहा है। इसके अंदर ही इक्विलिब्रियम बन सकता है, समझ में आया कि नहीं आया, अंदर बन सकता है। तो कोई पोजिशन मान लेते हैं, प्लस क्यू रख दिया, सपोज करा यहां से डिस्टेंस एक्स है और टोटल ए थी, तो यहां से ए माइनस एक्स है, ठीक है। अब दोनों के फोर्सेस निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे न्यूट्रल होने के लिए, एक्स मिल जाएगा, यही किया है, फोर्स निकाला q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε0, तो चलता ही रहेगा। इधर आ जाओ, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए भाई साहब, और ये इक्वेशन बन गई क्रॉस मल्टीप्लाई, जो जो कट रहा है काट मारो, ये सब कट गया, क्यू ई वगैरह चार बचा, और इसको सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू क्या मिली, एक्स बराबर 2a/3 और एक्स बराबर 2a। अब देखिए इसका मतलब क्या, हाँ, अब यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू, यहां की बात कर रहा है, अगर ये x बराबर 2a/3 है तो 2a तो वैल्यू 2a कहाँ जा रहा है, a, और फिर यहाँ से a इधर यहाँ, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, तो ये तो वैल्यू रिजेक्ट हो गई, बात समझ में आती है या भाई, a 2a बोल रहा है ना, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, दोनों एक ही दिशा में फोर से नहीं बन पाएगा, और यहाँ कहाँ बन सकता है 2a/3 में, यहाँ बन सकता है 2a/3 कहाँ आ जाएगा, बीच में कहीं आ जाएगा, तो वहाँ इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ ये थे प्लस क्यू के लिए मान के किया है कहानी, तो प्लस क्यू में ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा, और अगर यहाँ पर मान लीजिए हम जो लिखा थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू पॉजिटिवली, अगर आप निगेटिव ले लेंगे तो निगेटिव के लिए एक और चर्चा खड़ी हो जाएगी, कहाँ कहाँ बन सकता है, ये पॉजिटिव के लिए लिया है, पॉजिटिव के लिए क्या कंक्लूजन निकला है, ये हमारा यहाँ पर अंदर की तरफ इक्विलिब्रियम बनेगा, बाहर की तरफ नहीं बनेगा, और अंदर की तरफ जो बनेगा वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, यहां पर मान लो इक्विलिब्रियम बना है, अब अगर हम इससे दूर कर देंगे ऐसे, समझो मेरी बात, ये चार्ज है, ये कहां पर है, 2a/3 पर, तो इससे दूर है, अब अगर इससे थोड़ा दूर हम यहां हिला के यहां पहुंचा दें इसको, अगर यहां पहुंचाएंगे तो क्या होगा, इससे डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका फोर्स कैसे लगेगा इस पर, कम, और इसका कितना लगेगा, ज्यादा, तो ये खिसका देगा ना घटक से, और अगर पास में चले गए यहां पर तो इसका फोर्स हो गया ज्यादा, इसका कम, तो ये वापस खिसका देगा, यानी कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये क्या दे रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम दे रहा है, आप समझ पाए मेरी बात। अब अगर ये निगेटिव चार्ज हो जाए यहां पर तो ये कहानी बदल जाएगी, ये बड़ी, ये एग्जाम में बोर्ड में काफी बार आया है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी घूम फिर के आता है, तो ये समझ में आना चाहिए एकदम। हाँ, अगर आप दिया है पॉजिटिव चार्ज तो केस खत्म हो गया, अगर निगेटिव होगा तो चर्चा बदल जाएगी, क्योंकि निगेटिव अगर रखोगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो बीच में क्या नलिफिकेशन हो सकता है, हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। अगर निगेटिव बाजू में रख दिया यहां तो ये ऐसे खींच रहा है, अब वो कैसे खींच रहा है, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं, तो बाहर इसका काम हो ही नहीं पाएगा फिर, समझ पा रहे हैं, ये माइनस रखोगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन, और ये क्या करेगा, अट्रैक्शन,
तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। यहां बाहर रखोगे तो तब भी नहीं बनेगा, दोनों की दिशा हम खींचेंगे। अंदर बनेगा, लेकिन अंदर बनने में क्या होगा जानते हो, इसमें स्टेबल उसमें अनस्टेबल हो जाएगा। मान लो कहीं पर आ जाता है, मान लो 2a पे आ जाता है, सॉरी कहीं पर 2a बाई 3 कुछ भी आ जाती है वैल्यू यहां पर, तो यहां पर अगर आ जाता है सपोज करिए यहां कहीं आ जाता है, तो यहां पर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और ये अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपने हिला के यहां पहुंचा दिया तो इसकी ताकत बढ़ गई ना, ये खींच लेगा उसको, और यहां ले आए तो इसकी बढ़ गई, ये खींच लेगा। समझ पाई कि नहीं? तो अगर माइनस होगा तो बीच में कैसा इक्विलिब्रियम आएगा? अनस्टेबल। समझ पाए हो? ये इसीलिए सरल डायग्राम बनाया आपको। आप समझे कि नहीं बेटा? नहीं समझे तो पूछ सकते हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, और निगेटिव है तो निगेटिव रख के सॉल्व कर डालिए। इसमें सॉल्ट भी है, अगर ये निगेटिव चार्ज है देखिए, तो 2a बाई 3 पे जब आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल मिलेगा इसकी चर्चा हमने की आपसे अभी, समझ गए? ये अगले न्यूमेरिकल में चलेंगे। क्लियर है ये? अब देखिए अगला एक क्वेश्चन याद कीजिए, उसमें लिखा था फिक्स चार्जेस, यहाँ क्या है फ्री, यानी ये दोनों भाई लोग अपनी जगह से भाग सकते हैं, वो नहीं भाग सकते थे। फ्री मतलब दोनों रखे हैं बस, ज्यादा झटकट का पड़ा तो भाग लेंगे वो। समझ में आ रहा है फिक्स्ड और फ्री का मतलब? तो ये कहानी है टू फ्री पॉइंट चार्जेस सेम, प्लस फोर ई रह रखा है, प्लस ई इधर रखा है, लेकिन ये फ्री टू मूव है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ए अपार्ट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच में ए, जो भी डायग्राम बनाया था आपको दिख भी रहा है। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम, इसके बीच में क्यू हम कैसे प्लेस करें कि इंटायर सिस्टम में भी इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम पूरा हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ क्यू, ये चार्ज प्लस हो माइनस हो और कितना हो ये बताने का है, एंड किस तरह का इक्विलिब्रियम है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लेवल के लिए, सब पूछ डाला है इसने। इसने ये पूछा है फ्री टू मूव कि चार्ज बीच में कहाँ रखें, उसका नेचर कैसा हो, उसका मैग्नीट्यूड कैसा हो और इक्विलिब्रियम कैसा होगा। आप समझ पाए? ठीक, अब ये देखते हैं नेचर कि भाई कहाँ इक्विलिब्रियम मिल सकता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम संभव है क्या? अगर यहां पर हम पॉजिटिव लेते हैं, कहाँ गया पॉजिटिव, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम संभव है। प्लस लेंगे तो ये मारेगा इसको धक्का इधर, ठीक, और ये प्लस है तो ये मारेगा धक्का उधर। ये फ्री टू मूव है, देखिएगा खेल, ये कहानी पलटी हुई है, इसीलिए बड़ा बढ़िया है। समझ पा रहे हो? नहीं, अगर ये प्लस क्यू रखे हो, इसने तो इसको मारा धक्का इधर और इस वाले ने मारा धक्का इधर, बढ़िया, लेकिन इसका क्या, इसको ये धक्का मार रहा उधर और ये मार रहा उधर, तो वो तो चल पड़ा है कि नहीं? तो प्लस का तो कल्याण है, प्लस तो नहीं हो सकता। क्या आप समझ पाए बेटा? श्योर है या? आराम से सहूलियत से, यानी बीच में प्लस नहीं रख सकते, प्लस रखते ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। अगर ये फिक्स चार्जेस होते तो हो जाता जैसे पिछले सवाल में हुआ था, ठीक है। अगर प्लस दोनों हैं तो बीच में प्लस वाला नहीं होगा। अब देखते हैं माइनस में क्या होता है। माइनस को इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, तो ये तो रुक सकता है। अब इसकी कहानी देखते हैं, इसको इस माइनस ने खींचा इधर, ठीक है, और इस प्लस ने मारा धक्का इधर, तो ये रुक सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसमें आ जाओ, प्लस है, इस माइनस ने इसको खींचा इधर और इस प्लस ने इसको धक्का मारा इधर, तो देयर इज ए खतरनाक संभावना कि इट इज पॉसिबल हियर, है कि नहीं? तो पहले ये दिमाग चलना चाहिए पहले, क्या हो सकता है फिजिक्स में, तभी मजा आ सकता है। तो यहां से हमने डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर वाला चार्ज प्लस नहीं होगा साहब, होगा माइनस ही। आप पकड़ पाए हैं कि नहीं? 100%। तो ये आना चाहिए, और सवाल में फर्क समझिए, बारीक फर्क है दोनों में, ठीक। अगर ये समझ गए तो माइनस रख देते हैं हम लोग, क्योंकि हम जान चुके हैं। तो ये साहब हटाया और बीच में ये माइनस क्यों रख दिया, और कहानी बनाएंगे आगे। एक्स
ए माइनस सब जान चुके हैं आप, अभी किया था ना। अब देखो ये डायग्राम है जो देखा था, बना दिया था, इसे भूले ना आप। और ये वर्किंग हो गई, वर्किंग आप जान ही रहे हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। इसके बीच का फोर्स 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, इधर इसका क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर प्लस 4e की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर तीनों चीजों को इक्विलिब्रियम चाहिए, तो इस पे लगने वाला फोर्स बात कर रहे हैं, इस पे पहले इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये भाई साहब इसको खींचेगा और वो इधर धक्का मारेगा, ठीक। तो 4e और e, 4e इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस बना, ये फोर्स किधर लगने वाला है, इस डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज ए फोर्स एफ, प्लस ई लगा रहा है इस पे। समझ पाए हो कि नहीं, ठीक। और अच्छा लिखने का मन करे तो ऐसे लिख दो 4e मतलब 4e पे लगने वाला डी टू ई से, क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू ये बन गई। अब उसका रोकने वाला फोर्स ये भाई साहब, तो ये क्या करेंगे, प्लस 4e इंटू, यहां माइनस मत रख देना, ये फोर्स वैल्यू बराबर साइन, तुमने ले लिया अपोजिट डायरेक्शन, और माइनस लेना है तो प्लस करके लिखना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो क्या? ये अब इक्वल किया है ना, अगर माइनस लिखना है तो ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी तुमको, अब रखो फिर माइनस, है ना, वरना यहां माइनस नहीं रखना है, वरना गलत निकलने लगेगा, क्लियर है क्या? ठीक, ये समझ गया कैसे रखा, ये फोर्सेस कौन से हुए, एफ इधर और यल, कौन सा था यल इधर, एफ डैश, इन दोनों बराबर कर दिए, काटा पीटा क्यू की वैल्यू निकली, ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई विशेष चीज नहीं है, ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए, ये उन्होंने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक। अट्रैक्शन एफ वन बिटवीन प्लस 4e माइनस 4e वगैरह वगैरह। अब ये किसकी कहानी शुरू हो गई साहब, इस पे लगने वाली, इस पे इसका इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक, इस पे इक्विलिब्रियम के लिए लिया, माइनस क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये इन दोनों में क्या आएगा, ये इस पे कैसा फोर्स देगा अट्रैक्शन, ये फोर्स, और ये कैसा देगा प्लस वाला, इधर वाला फोर्स, तो एक फोर्स उसको बराबर कर दीजिए 4e प्लस क्यू, 4e और क्यू, ये समझ पा रहे हो, ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, एक्स, तो ये एक्स आ गया, इधर में आ जाओ ये डिस्टेंस ए माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स आ गया, इसको शॉर्टकट डाला, क्या क्यू निकला आपका, यहां वैल्यू निकली, कैलकुलेट करते करते ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी कुछ यहां पर, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गए 4e अपॉन 9, दिस इक्विलिब्रियम ऑफ नेगेटिव चार्ज क्यू विल बी अनस्टेबल। अब ये इक्विलिब्रियम आ गया या अपनी आ गया, अब ये अनस्टेबल क्यों है, हाँ क्योंकि जैसे ही आप इस माइनस क्यू लिखे हुए हो, अगर थोड़ा पास लिया हो सोचो, या खसका दिया आपने इधर, तो ये क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा और ये वीक हो जाएगा, इसका ये ज्यादा तेज अट्रैक्ट करेगा, ये कम पड़ जाएगा इधर, तो हिल जाएगा, फिर सरकना शुरू हो जाएगा सिस्टम, समझ पाएंगे? तो ये एक बहुत ही बेहतर सवाल, तो चार्ज, अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड निकला, हाँ निकला, और क्या चीज थी, माइनस प्लस, माइनस निकला और स्टेबल, इनस्टेबल निकले, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, पूरी तरह समझ में आना चाहिए आपके, समझ में आया क्या? ठीक है, कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर ले, कुछ पूछना चाहती हूँ हमें, और एक देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो जितने भी करिए कम है, लेकिन कोशिश है कि कम से कम काम भर के क्वेश्चन सामने पड़ जाए। ये क्वेश्चन क्या है, चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकुलाम प्लस पॉजिटिव 10 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ए बी सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी तीन ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे ए बी सी आपने बैठा दिया है, प्लस 5 प्लस 10 माइनस 10, हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, इस पे निकालना है फोर्स, तो शुरू कर दो, कौन सी विशेष बात है इसमें, इस पे ये जो प्लस है ये प्लस है, तो कैसा लगेगा, इन दोनों को लाइन मिला दें, वाली लाइन में एफ वन फोर्स उसी लाइन में लगता सीधे, अब यहां माइनस है ये प्लस है, तो ये धक्का वो नहीं मारेगा, खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्शन, तो ये फोर्स हो गया एफ टू, एफ वन इसका, एफ टू इसका,
अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वेक्टर हैं तो इनका वेक्टर सम होगा, ठीक है। अब ये फोर्स F1 की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे, क्यू के 9 × 10⁻⁹, Q1 × Q2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, जब आप जानते ही हैं मल्टीप्लाई करके बीच का डिस्टेंस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए और वैल्यू आ गई 180 N अलोंग बी ए, इसकी वैल्यू निकल आई है 180 N अलोंग बी ए, ठीक है। इसी तरीके से हमको चाहिए F2, अभी समझ पा रहे हैं क्या, तो F2 भी निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए F2 आ गया, द चार्ज एट सी अट्रैक्ट, अब डायग्राम देखिए याद ही होगा आपको, वो F1 F2 लगाया आपने 180 N अलोंग AC जो नीचे वाला डायरेक्शन था, ठीक है। अब ये दोनों जो डायरेक्शन थे इनके बीच में देखिए, इनके ये एक फोर्स ये निकला है, अट्रैक्शन ये निकला है और इसके बीच में एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है 180 और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, हुआ गया, हुआ ना। अब यहाँ पे लॉ पैरेललोग्राम आपने देख रखा है, दो वेक्टर के बीच का निकालने का वो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। तो ये बीच का एंगल है 120, अब लगा दीजिए लॉ पैरेललोग्राम लगाया, एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ1 स्क्वायर, ये नाइन्थ में पढ़ चुके वेक्टर में, एफ2 स्क्वायर टू एफ1 एफ1 कॉस थीटा, सारी वैल्यू कर दीजिए पुट, कॉस थीटा की जगह कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना होता है -½, ये वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे 180 N आएगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना मिला 180 N F, लेकिन अभी डायरेक्शन नहीं पता है, तो डायरेक्शन का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था लॉ पैरेललोग्राम में, टेन थीटा बीटा, ये बीटा किधर से होता है, F2 से जो होता है, यानी ये जो बीटा ये F2 है तो इससे बीटा, F तो निकाल लियो लेकिन किधर ये नहीं निकाला अभी हमने, तो F2 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, और यहां फॉर्मूला है 10 बीटा इज इक्वल टू F2 साइन 120 भाई थीटा, F1 प्लस F2 कॉस 120, वैल्यू रख दीजिए वैल्यू आ जाएगी √3, 10 बीटा इज इक्वल टू √3, तो 10 बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। अब दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स F इन पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC का मतलब है ये जो कहानी दिख रही है आपको, ये जो BC है 120 था तो ये चला जाएगा AF, इसके पैरेलल चला जाएगा, ये कितना एंगल बनाया हो 60 डिग्री, यही तो निकाला था हमने, मैग्नीट्यूड भी 180 N, ये भी निकाल लिया था हमने। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ स्क्वायर स्क्वायर वाला है, 4 equal point charges each 16 µC प्लेस्ड ऑन दी 4 corners ऑफ ए स्क्वायर, वो ट्रायंगल था 4 square के कॉर्नर है इसमें बैठा दिया है और ये जो साइड्स है वो है 0.2 meter और चार्जेस रखे हुए हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, किसी एक पे चार्ज कैलकुलेट करो क्योंकि वो सब पे बराबरी आने वाला है, ठीक है। अब ये क्यू 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 लगा दिया सब वही चार्ज जो दे रखा है, अब इस पर निकालने चले हम, सपोज करिए जैसा कि बना है तो इसमें याला जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा F1, सीधी रेखा में लगाता है मिलाने वाली सेंट्रल फोर्सेस, ये लगाएगा बेटा तो सीधे F3 पे लगाएगा, है ना। ये जो भाई साहब है ये तिरछे हैं, ये डायगनली लगाएंगे F2, तो यहां पर जो रिजल्ट होगा वो F1 F2 और F3 तीनों का रिजल्टेंट होगा, बात समझ में आई, ठीक है। तो F1 F2 और F3 तीनों का रिजल्टेंट होना चाहिए। अब देखिए ये सवाल बड़ा सरल मिल जाता है, अब ये सब ए बी बी सी डी सब है बराबर क्योंकि स्क्वायर है, क्यू वन क्यू टू सब बराबर है, बहुत अच्छी बात। तो फोर्स क्यू फोर जो फोर्स है क्यू पर जो फोर्स है क्यू वन से वो कितना है, तो कूलम्स लॉ लगा दो, क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर वो सब जानते ही आप, ये आ गया 57.6 N अलॉन्ग ए डी, ए डी का मतलब ए डी ये एफ वन। इसी तरह Q2 ने जो फोर्स लगाया ये डायगनली लगा रहा था ये, ठीक है, तो इसने फोर्स लगाया 28.N क्योंकि ये है 0.2 ये है 0.2 तो इसका डायगनल पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाता है डायगनल 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू आ गई,
क्या बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस अप्लाई करके डायगनल निकाला है, ये वैल्यू लिख दी, इसीलिए अंडर रूट था ना, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। अब कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 28.8 न्यूटन अलोंग बीडी, बीडी का मतलब ये डायरेक्शन F2। अब आ गई तीसरे फोर्स की बात, यानी Q3 ने कितना अप्लाई किया है, इसकी वैल्यू पुट की और आ गया 57.6 न्यूटन अलोंग CD। ये सेम ही चीज आएगी, बस इस डायरेक्शन में आएगी। तो तीनों फोर्सेस निकल आए हैं, बस डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है। अब आगे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस होते हैं वहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म सॉल्व करना आसान होता है। अब जैसे आप यही समझना चाहें तो F2 है ना, ये एंगल कितना बेटा 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट F2 का ले सकते हो, F2 का इधर कंपोनेंट ले लो तो क्या बन जाएगा, F2 cos 45, और इधर ले लोगे तो F2 sin 45। अब इन दोनों में जोड़ के पाइथागोरस से सॉल्व कर दो, ठीक है। अब अगले में देखिए सॉल्यूशन दिया होगा, जिससे आप लॉजिक मैंने बताया आपको, ये देखिए वही चीज़ है, एज F1 F3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो देयर रिजल्टेंट फोर्सेज इज, F1 F3 की बात कर रहे हैं, F1 F3 कौन से थे, तिरछे वाले, ये F1 F3। अब इन दोनों का नेट निकालेंगे तो अगर दोनों इक्वल है तो F2 की डायरेक्शन में आएगा, वो भी फर्स्ट क्लास तरीका है। अभी हम लोग इसको ब्रेक कर रहे थे, इसको नहीं किया ब्रेक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसका रिजल्टेंट 20 से जाएगा तो F2 की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो F2 में जोड़ देंगे। क्या समझे मेरी बात? अब ये देखिए यही कर दिया गया यहां पर, F1 F3 दोनों परपेंडिकुलर थे तो रिजल्टेंट आ गया इतना इसका इन द डायरेक्शन ऑफ F2 में जोड़ दिया और रिजल्टेंट आ गया 110.3 न्यूटन लॉन्ग BD प्रोड्यूस्ड। ये सब बिल्कुल बढ़िया सवाल एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में, और आपको आने चाहिए, और सामने रख के हम लोग डिस्कस भी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकेंगे, हम लोग 3-4-5 न्यूमेरिकल देखें और हेल्दी न्यूमेरिकल्स देखें जो समझ में आने चाहिए और लॉजिक भी समझाए। घर जाके रिवीजन जरूर करना पड़ेगा आपको, तो रिवीजन जरूर करिएगा तभी बात समझ में आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू।